सीएलसी सीकर से मैं नवीन जोशी, डीसीएम 20 जो केमिस्ट्री का पेपर उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर, इस पेपर में वन बाई वन अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, कौन सा जो डी कक्षक है वो पाई बंध का निर्माण नहीं बनाता या नहीं बना सकता। तो डी एक्स वाई बिल्कुल करता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा इसका मतलब पाई बंध बना सकता है। ओके डियर, यदि मतलब पाई बंध का साइड वाइज ओवरलैपिंग तरह से हो गया तो डी एक्स वाई बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं है डी एक्स वाई को। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तीनों एग्जिस्ट दिखते हैं, तो ये तीनों कर लेते हैं, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं कर पाता साइड वाइज ओवरलैप करने के लिए। तो ये जो लोब है उनके एक्चुअली साइन जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो अपन साइड वाइज जो भी ओवरलैपिंग है वो कंस्ट्रक्टिव बताते हैं। यदि ये साइड वाइज किसी के साथ भी करना चाहेगा, चाहे डी के साथ ही करना चाहिए, चाहे पी के साथ करना, पी में एक प्लस एक माइनस है तब नहीं कर पाएगा, और डी के साथ ही करना चाहते हैं एक प्लस एक माइनस होगा उस केस में भी, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। फर्स्ट का आंसर आता है फोर्थ। ठीक है डियर, फर्स्ट का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव पी पाई एज वेल एज पी पाई डी पाई बॉन्ड, किसके पास पी पाई और पी पाई डी पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो, इस तरह क्वेश्चन में ट्रिक से करता हूँ, वैसे पूरा मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना सिंपल वे में जितना आसानी से करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो सिंपल वे क्या है इसका, आप तो पहले उस सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। यदि हाइब्रिडाइजेशन जो भी आएगा, आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, संकरित कक्षक जो होते हैं, वो केवल सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर के फॉर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड या एकाकी रूप युग्म के रूप में ही रह सकते हैं। तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ, जिसमें ClO4- माइनस में Cl का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ClO3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, SiO2 में पाई बॉन्ड होता ही नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, या फिर इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड उससे, अब रहा इसका SO2 का, SO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर का। ये याद नहीं, बड़ा सिंपल सा होता है, अपनी ट्रिक होती है, मुझे देखते मॉलिक्यूल का पता चल जाता है। तो जिसमें sp3 है, मतलब ये तीन जो sp3 ये बता रहा है कि इसमें चार जो है एक s का तीन p के जो गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे चारों के चारों, एक s का और तीन p के। तो p पाई के लिए इसके पास तो भी अवेलेबल ही नहीं है पाई बॉन्ड के लिए, भाई वो तो हाइब्रिडाइजेशन में गया, संकरण में गया, तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, और ना इसमें p अवेलेबल है ना इसमें p अवेलेबल है, बचा इसमें एक p अवेलेबल है खाली, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं गया, जबकि इसका मतलब ये पाई में जाएगा और आगे डी तो खाली पड़ा, ये वो पाई में चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी में जो बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड जो बनेंगे, वो दोनों पाई बॉन्ड जो बनेंगे, वो एक पी के काम में आएगा सल्फर का और एक डी काम में आएगा। ये तरीका क्या रहा, आप तो सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और यदि पी अवेलेबल है तो सेंटर वाला, यदि हाइब्रिडाइजेशन में चला गया पी तो अवेलेबल नहीं है पाई के लिए, यदि अवेलेबल है पी जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं गया इसका मतलब, तो वो पाई बॉन्ड बना सकता है और यहां बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी इन दिस मॉलिक्यूल, इन दोनों में बी का हाइब्रिडाइजेशन किया बोरोन का, तो BF3 वैलेंसियल बोरोन में तीन इलेक्ट्रॉन रखता है, और BF4- बी एफ एफ माइनस एंड एफ। अब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर लिखते हैं अपन लोग, स्टेरिक नंबर त्रिविम संख्या से जो भी है वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग अपन हाइब्रिडाइजेशन बताने, ये सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड तीन है, लोन पेयर जीरो है, तो तीन स्टेरिक नंबर आ गया, तो इसमें संकरण क्या आ जाएगा sp2। इसमें सिग्मा बॉन्ड चार है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3। ओके डियर, तो पहले में है sp2 और दूसरे में sp3, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ पे। अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच टू स्पीसीज आर नॉट आइसोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चरल, कौन सी दो सम संरचनात्मक नहीं है, इसको भी मैं ट्रिक से करता हूं। आप तो ये देखो, जिसमें सेंटर एटम में इलेक्ट्रॉन सेम है और सराउंडिंग में नंबर ऑफ एटम सेम है, सिग्मा या डबल से जो भी जुड़े हुए एक जैसे होने चाहिए, या तो सिग्मा वाले होने चाहिए सारे या डबल के होने चाहिए, तो यदि ऐसा सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में स्ट्रक्चर सेम आती है, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जैसे IO3- है तो IO3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में वो माइनस आया हुआ है और बचे
दो ऑक्सीजन इस तरह से एक लोन पेयर आ गया, ओके डियर, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप आएगी इसकी वो ट्राइगोनल पिरामिड आ जाएगी कुछ इस तरह से, एक लोन पेयर आ गया और इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा कुछ इस तरह से, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है, डबल बॉन्ड नहीं रेजोनेटिंग हाइब्रिड का। XeO3 में सेम सिचुएशन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये रहा एक और एक ये रहा, तो सेम ही सिचुएशन है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में 8 है, इसमें भी 8 हो चुके हैं, मतलब बॉन्ड बन चुके हैं एक जैसे, तो इन दोनों स्ट्रक्चर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम। BH4 भी टेट्राहाइड्रल शेप का होता है, NH4+ भी टेट्राहाइड्रल का होता है कुछ इस तरह से। BH अभी थोड़ी देर पहले इसको ड्रॉ किया था अपन ने, BF4- की तरह, वैसे BH4- होता है, और नेक्स्ट NH4+ कुछ इस तरह से होता है, NH4+ वो भी टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 आएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जस्टिफाई करते हैं अपन लोग, ये भी किस तरह से आएगा NH4+, तो ये भी टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होता है, तो ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट PF6 एंड PF6 माइनस एंड SF6, तो PF6 माइनस क्या होगा, फॉस्फोरस, 1, 2, 3, 4, 5 फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एक F- माइनस के साथ बॉन्ड बना हुआ है, वो नॉर्मल है अलग से फ्री ऑर्बिटल काम में लेते हुए, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा, और sf6 भी ऑक्टाहाइड्रल होता है sp3 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, sf6 भी क्या होता है ऑक्टाहाइड्रल, तो इनकी भी सेम हो गई। नोट आइसो स्ट्रक्चरल बोला, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, SiF4 ऐसा ही है, इसमें 4 जो फॉस्फोरस फ्लोरिन लगे हुए हैं टेट्राहाइड्रोन में लगेंगे, जबकि SF4 की जो स्ट्रक्चर होती है 3, 4, 5, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंसियल में 1, 2, 3 और 4 एक लोन पेयर बच जाएगा, तो इसमें सेप क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3d आ जाएगा, और सल्फर में एक लोन पेयर और सीसो सेप आ जाएगी इसके सर, इसकी सीसो सेप आ जाएगी, जबकि पहले वाला SiF4 टेट्राहाइड्रल फॉर्म में था, तो ये वो फोर्थ जो ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों सेम नहीं आ रही, ठीक है, इसकी टेट्राहाइड्रल जबकि इसकी सीसो सेप, ओके डियर, डेंकुलर सेप हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ बोल रहा है मैच द स्पीसीज कॉलम, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। BH4- तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और एक H- से आ चुका है, वो बॉन्ड बन चुका है, ये है BH4-, ठीक है जी। नेक्स्ट है IClII+ IClII, वैसे आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस फॉर्म में चला गया है तो 6 बचे हैं, एक Cl, दूसरा Cl, एक दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। नेक्स्ट बात करते हैं IClII-, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और एक Cl- नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आया होगा, और एक Cl ये रहा, तो 3 लोन पेयर आ गए, दो बॉन्ड पेयर आ गए, फिर IClIV- है, तो आई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, एक Cl- इस तरह से रहा होगा, और एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, तो दो लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। अब एक एक मैच करना है, पहले वाली सिचुएशन में क्या है, BH4 में 4 बॉन्ड पेयर ओनली, 4 बॉन्ड पेयर बंद युग्म। दूसरी वाली सिचुएशन में क्या आया, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर एंड दो लोन पेयर। नेक्स्ट वाली सिचुएशन में क्या आया, तीन दो बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या आया, 4 बॉन्ड पेयर एंड दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। अब सिचुएशन मैच कर लो, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर कहाँ है, नो लोन पेयर, ये सेकंड के साथ मैच खाएगा, ठीक है। नेक्स्ट IClII के लिए क्या है, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर कहाँ है, फोर्थ में, ये फोर्थ के साथ मैच खाएगा। IClII- में क्या है, दो बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ये फर्स्ट के साथ मैच होगा। IClIV- में दो 4 बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, ये फिफ्थ के साथ मैच होगा। तो सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड फिफ्थ सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, जो इसके साथ मैच कर रहा है। अपने को सिर्फ उनका वैलेंस शेल के डायग्राम बनाना था, उससे अपना आंसर आ रहा है, ठीक है डियर, तो जिसके साथ जितने साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CLO बॉन्ड ऑर्डर इज, CLO बॉन्ड ऑर्डर बनाते हैं इन 3 मॉलिक्यूल्स में, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बॉन्ड ऑर्डर जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो 1+ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस डिवाइड बाई सिग्मा, दैट इज ऑन विच रेजोनेंस टेक प्लेस, जिसके ऊपर रेजोनेंस हो रहा है। तो CLO4- कुछ इस तरह से CLO
फोर माइनस सी एल ओ फोर माइनस कुछ इस तरह का होगा, ये रहा सी एल ओ फोर माइनस सी एल ओ थ्री माइनस कुछ इस तरह से होगा, ये रहा सी एल ओ थ्री माइनस ये लोन पे रह जाएगा एक, और सी एल ओ टू माइनस ये एक जगह ये ओ माइनस और दो लोन पे रह जाएंगे इस पे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम, तो इसमें हो जाएगा वन प्लस कितने हैं तीन पाई बॉन्ड चार में सिग्मा में कर रहे हैं तो 1.75 आ जाएगा। भाई सिंपल सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है वन प्लस दो पाई है जो तीन सिग्मा पे रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस स्टिक से बनाएंगे इसकी, ये दो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे होंगे, वन प्लस एक पाई दो सिग्मा पे रेजोनेंस कर रहा होगा, 1.75 ही आ गया, 1.66 ही आ जाएगा, 1.5 ही आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किसके 1.75 सी एल ओ फोर माइनस सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रखेगा, सी एल ओ फोर माइनस फिर सी एल ओ थ्री माइनस फिर सी एल ओ टू माइनस, सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। ओके डियर, सेकंड आंसर आ जाएगा सिक्स का। नेक्स्ट सेवन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो करेक्ट ऑर्डर, कौन सा सही क्रम नहीं बता रहा, अलग अलग प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पहला है बॉन्ड एंगल, तो ये स्ट्रक्चर बड़ी काम की है, एनओ टू प्लस कुछ इस तरह से होता है, एनओ टू प्लस 180 NO2 ओनली NO2 तो कुछ इस तरह से होता है, ओनली एक और इलेक्ट्रॉन रह जाता है ये NO2 एंड NO2 माइनस कुछ इस तरह से होता है O माइनस एंड डबल बॉन्ड और इस पे। अभी बात करूँ बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल 180 इसमें सबसे ज़्यादा हो गया पहले वाले केस में। इसमें एक ओल्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर है, तो दोनों में रिपल्सन लोन पेयर ज़्यादा देगा, ये लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन देगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा पिचक जाएगा। तो इन दोनों में यदि कंपेयर करता हूँ तो ये थीटा वन है ये थीटा टू है, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, ये रिपल ज़्यादा करे इन दोनों साइड को, तो इसका थोड़ा सा एंगल पिचक जाएगा, तो थीटा वन थोड़ा सा क्या रह जाएगा ज़्यादा रह जाएगा थीटा वन से। ओके डियर, तो थीटा वन थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा, थीटा हल्का सा फर्क रहता ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी एंगल ज़्यादा आ जाता है, सबसे ज़्यादा ये फिर ये ठीक है, ऑर्डर सही है। अपने को पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है, बी एफ टू सी एच फोर है बॉन्ड एंगल, तो बी ई एफ टू 180 पे होता है इसकी स्ट्रक्चर, एस पी हाइब्रिडाइज से आता है इसका। नेक्स्ट सी एस फोर टेट्राहाइड्रोन होता है, तो टेट्राहाइड्रोन में 109.28 या 0.5 डिग्री सेल्सियस आता है डिग्री आता है, और एस थ्री ओ प्लस में कुछ इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर, और एच प्लस को लोन पेयर देता है, यहाँ पर होता है एक और लोन पेयर। आगे बात समझ में, तो इसमें 109 से थोड़ा कम होता है क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन रहता है, तो सबसे कम इसमें ठीक है, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं 1.5 या 1.3 होता है, सॉरी सी ओ थ्री माइनस टू है ना, ये सी ओ थ्री माइनस टू, तो 1+1/3 तो 1.33 होता है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे 1.33 आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सही है। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में अपने को चर्चा करनी है, तो NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है सॉरी 3, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है NO प्लस, MOT के अकॉर्डिंग करो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी इसका 3 है, और इसका कितना हो जाएगा 2.5 से 2 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। सही नहीं है, ये रिवर्स दे दिया जो एक्चुअल ऑर्डर था, ठीक है डियर, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ की तरफ, एट्थ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर। देखो प्लेनर जब भी चेक करते हैं तो एक थोड़ा सा तरीका रहता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अपन चेक करते हैं, लेकिन जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज प्लेनर, ये हमेशा ध्यान रखना, टेट्रा वाला हो ना हो ट्राई एटॉमिक ये ट्राई नहीं है। इसके अभी अपन ने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, ये कुछ इस तरह से होता है XGO3 कुछ इस तरह का होता है, तो इसमें प्लेनर तो हो नहीं पाएगा, ये ट्राइगोनल पिरामिड है। SF4 अपन ने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया था, SF4 सीसो शेप में होता है, ये भी प्लेनर नहीं हो सकता, एक प्लेनर नहीं आ सकता, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ऊपर ये ऊपर से बने हुए हैं। XGO4 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो उस वजह से जो लोन पेयर है वो एक दूसरे आमने सामने होते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती है, कैसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर स्क्वायर दो लोन पेयर आ गए और चार बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर, तो सारे की प्लेन में होंगे, और CF4 टेट्राहाइड्रोन है तो ये प्लेनर हो ही नहीं सकता जो टेट्राहाइड्रोन फॉर्म में, तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा एट्थ में। नेक्स्ट नाइन्थ, नाइन्थ में बोला गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो डाउट के इसमें
एफ सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी ईन ज्यादा है, और जितना ज्यादा ईन होता है उतना ज्यादा पोलरिटी आती है हाइड्रोजन पे, उतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनता है, तो एच एफ सबसे ज्यादा आएगा। और एच टू इसमें एच बॉन्ड बनता नहीं, सबसे पीछे आ जाएगा। लड़ाई किसकी है? एच टू एंड एच टू ओ टू की, एच टू ओ एंड एच टू ओ टू की, ये लड़ाई मिटा देते हैं। एच टू ओ टू में एच है, फिर ओ है, फिर ओ है, फिर एच है, और एच टू में ओ है, फिर है। अब सुनना, जितना ज्यादा एच बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है कि एच जिससे भी कनेक्ट होता है ए से, और ये जिसके साथ एच बॉन्ड बनाएगा वापस ए के साथ, और वो किसी वो भी एच के साथ ही कनेक्टेड है, तो एक्चुअली यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन ही खींचता है, डेल नेगेटिव होता है और ई अपनी तरफ खींचता है, डेल पॉजिटिव होता है। तो ये एक्चुअली एक नेगेटिव पोल का पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्शन मात्र है, ठीक है। तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी का होगा। तो अपने को पता है यहाँ पर ओ है, इसने यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और इस ओ ने, ये तो सेम ई एन के हो गए तो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाया होगा, तो इस ओ के पास एक ही सोर्स से इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर डेल नेगेटिव कम आया होगा, जबकि इस पर डेल नेगेटिव ज्यादा ज्यादा पोलरिटी इसमें आई होगी, या ऐसा बोलते ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एच के साथ उतना अच्छा एच बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या? तो एच टू ओ में एच बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एच टू ओ टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच एफ में सबसे अच्छा, फिर एच टू ओ, फिर एच टू ओ, फिर एच टू एस, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट टेंथ पे चलते हैं। टेन, और ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ मैथेन, मैथेन का कंप्लीट कंबशन पूर्ण दहन कर देते हैं, टू ओ टू से होता और सी ओ टू बनता है टू एच टू ओ। पूछा है कि फिर ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण अवस्था में हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज होता है, यहाँ एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका मैथेन में, जबकि इसका क्या होता है एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एस पी थ्री से एस पी की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, तो एस पी थ्री से एस पी बनाया तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, चलो टेंथ पे चलते हैं, सॉरी इलेवंथ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज और कंपाउंड शो हाइएस्ट कोवलेंट करेक्टर, देखो एम जी सी एल टू का आयनिक कंपाउंड, एन ए सी एल आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी बात ही खत्म। अब मेन मुद्दा रहा एल सी एल थ्री और एस आई सी एल फोर, जिसपे चार्ज ज्यादा है उसमें चार्ज डेंसिटी या पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम प्लस थ्री से ज्यादा होती है, एस आई प्लस फोर की, उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी, तो आंसर हो जाएगा फोर, जिसमें सह संयोजक कौन सबसे ज्यादा होंगे। ओके डियर, और अपन ने पहले ही चेक कर लिया, चार से देखते हैं, वैसे ही चार से देख लो ना, सब ज्यादा चार इस पे है, वैसे सोच लो कि उतना ज्यादा जितनी ज्यादा पोलराइजिंग और ध्रुवण क्षमता होगी उतना ज्यादा सहसंयोजक गुण आएंगे। ठीक है डियर, फिर आते हैं ट्वेल्थ पे, इलेवंथ पे आ गया अपना फोर्थ आंसर, फिर ट्वेल्थ पे आते हैं। ट्वेल्थ में है द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन, किस पे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है, इसमें अपन ट्रिक बता देंगे, जो सराउंडिंग एटम में जो भी कनेक्टेड है, जिस सराउंडिंग एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा आएगा। एक तो बी आर लगा हुआ है और एक एच लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा, एन बी आर थ्री में, द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट। तो मैक्सिमम उस केस में होगा जिसमें सिंपल सी बात है जितना ज्यादा सराउंडिंग का साइज होगा, ताकि ये जो स्पेस है इस स्पेस में वो फैल पाएगा, लेकिन तरीका तभी वैलिड है जब एक लोन पेयर प्रेजेंट हो मिनिमम, अदरवाइज ये फंडा वैलिड नहीं है। यदि एक भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है सेंटर पे, एक भी प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो उस सिचुएशन में उस परिस्थिति में आप लोगों को ये फंडा नहीं लगाना सराउंडिंग के साइज पे, उस पर तो रेगुलर बॉन्ड एंगल जो आएगा वही एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, उसी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें रेगुलर बॉन्ड एंगल मिल भी जाएगा सारे बॉन्ड पेयर है, तो इसमें आंसर एन बी आर थ्री। नेक्स्ट आते हैं थर्टींथ पे, ओ एसओ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, ओ एसओ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, SO 3 है, SP 2 hybridization आ जाएगा, 120 degree angle आ जाएगा, इसमें भी SP 3 के SP 2 sorry, इसमें भी SP 2 hybridization आ जाएगा, और इसमें angle की बात बाद में करेंगे। SO 4 minus 2 resonating hybrid बनाएंगे इसका, क्योंकि दो negative charge tetrahydrogeometry SP 3 hybridization आता है, तो इसमें कुछ इस तरह से बनता है, ये O, ये O, ये O, ये O, ये resonating hybrid बनता है इसमें actually, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और ये माइनस का चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है डियर, ये नेगेटिव चार्ज इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन वो भी इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसमें तो 109 ही आ जाएगा बॉन्ड एंगल, 109 28 मिनट, ठीक है, इसमें 120 आ जाएगा, लेकिन जो लोन पेयर है वो इन बॉन्ड पेयर के कंपेयर में ज़्यादा रिपल्सन देगा, तो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन देगा, लेकिन इनमें मजे की बात पता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, हल्का सा बॉन्ड का डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा 120 से कमजोर पड़ जाता है, ये थोड़ा सा 120 से कम हो जाता है, तो इन्होंने पूछा मैक्सिमम,
तो एस ओ थ्री 120 आपको पता है एज ए डेटा बता रहा हूँ, इसमें 119 डिग्री होता है, इसमें एक जो एग्जैक्ट 120 होता है। तो ये थोड़ा पहले से पता है बच्चे को तो कर पाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली डेटा एनसीईआरटी का बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से डेटा कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा, एनसीईआरटी डेटा ये डियर, ठीक है। तो 119 डिग्री होता है, तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम रह जाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईयर सॉलिबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। तब सॉलिबिलिटी बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स रहती है, उन ट्रिक्स से काम करते हैं और कुछ कंसेप्ट बना के रखते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड के लिए बताते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती है, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, ये सब लोग अपनी ट्रिक्स लिखवाते हैं, ठीक है डियर। तो उन्हें ट्रिक्स में से अपनी ट्रिक है अपने को याद है तो और अच्छा है, नहीं तो हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों टॉप पे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। एक्चुअल फंडा तो हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन होता है, लेकिन दोनों ही डिक्रीज हो रही है तो अपन जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में अपन इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि एक तरीके से जो आपको याद है उस तरीके से अप्लाई करो। जैसे कार्बोनेट टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, सही ऑर्डर है। हाइड्रोक्साइड की टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, सही ऑर्डर है। हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज है, गलत ऑर्डर है। तो आंसर फर्स्ट सेकंड दोनों सही होने चाहिए, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ, बोथ आर करेक्ट। ओके डियर, तो आंसर फाइनल आंसर अपना जाएगा फोर्थ, दोनों ही सही है। कार्बोनेट डिक्रीज होता है, हाइड्रोक्साइड में इंक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है कार्बोनेट में बढ़ता है और हाइड्रोक्साइड नीचे जाने पर बढ़ता है। ओके डियर, 14th आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 15th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे आप देख लो ICl2- माइनस है, ये Cl- माइनस आ गया, एक और Cl आ गया, ये ICl2- माइनस, ये तीन लोन पेयर हो गए। N3- माइनस, इस पे तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। XgF4 इस पे दो लोन पेयर होंगे। अब देखो बहुत मॉलिक्यूल रिपीट हो रहे हैं एक जैसे स्ट्रक्चर के, SF4 टेट्राहेड्रल फॉर्म में हो गया, तो सबसे ज़्यादा इसी में आ जाएगा लोन पेयर। सॉरी SF4 तो SiF4 बना दिया, SF4 तो अपन थोड़ी देर पहले बनाया था, टेकुलर शेप होता है इसका, सीसो शेप होता है, तो इसमें एक ही लोन पेयर होता है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर तीन है, YCl2- पे आयोडीन पे है। ओके, तो 15th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 16th पे आते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी गलत स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल सा है, पहला है XgF6-4 पर जीनेट आयन है, आयन इज ऑक्टाहाइड्रल, बिल्कुल सही बात है, ऑक्टाहाइड्रल होता है। कैसे होता है, O- डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्टाहाइड्रल SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका, ठीक है डियर। नेक्स्ट है XgF4 बोथ कंटेन वन लोन पेयर, देख लेते हैं XG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये डबल बॉन्डो लग गया, एक और उस पर दो फ्लोरीन और ये रे दो फ्लोरीन, इसमें आगे एक लोन पेयर XgF4 में देख लेते हैं, सॉरी इसमें एक लोन पेयर है ना, XgF4 में देख लेते हैं, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, इसमें दो लोन पेयर आ जाते हैं। तो इसमें दो लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर होता है, तो इन्होंने बोला दोनों लोन पेयर होते हैं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोला तो ये सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड, दोनों ही, इसमें दोनों में एक एक एकाग्यूम नहीं है, दोनों में एक में एक है, एक में दो है लोन पेयर, ठीक है डियर। चलो 16 पे आ जाएगा सेकंड। 17 पे बात करते हैं, इनकरेक्ट मैच, कौन सा सही मैचिंग नहीं है। H2 एंगुलर है, सही बात है, म्यू नॉट इक्वल्स 0, सही बात है, इसका म्यू नॉट इक्वल्स 0 होता है, पोलर मॉलिक्यूल है। H2S भी एग्जैक्ट सेम होता है, H2 एंड H2S बोथ आर सेम, स्ट्रक्चरल एंड नॉन पोलर दोनों ही, ठीक है, सॉरी पोलर है दोनों ही, म्यू नॉट इक्वल्स 0 है ना, तो पोलर है। CO2 लीनियर, ठीक है, और म्यू नॉट इक्वल्स 0, CO2 ये तो बात है लीनियर है, लेकिन ये इस साइड डाइपोल मोमेंट इसका है, इस साइड इसका, नेट कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो इनकरेक्ट हो गया ना। और CCl4 टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसका म्यू 0 है, चारों साइड से 109:28 पे आता है, सर कट जाते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वैसे भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है डियर। तो 17th में थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18th में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ O2 से O2-। देखो O2, तो मैं O2 का डायग्राम बना रहा था, तो ये कुछ इस तरह से O2 का डायग्राम होता है, वही बना रहा हूँ जो काम में आएगा अपने, है ना, ये होता है पाई स्टार
टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई एंड यो नेक्स्ट सॉरी एक सेकेंड ये होता है सिग्मा स्टार टू पी जेड और सिमिलरली ये भी पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब जरा ध्यान से रहा, O2 में इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल्ड रहते हैं, ये O2 का डायग्राम, उससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने यहां से मतलब है, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ठीक है डियर, अब देखना जरा ध्यान से, ये O2 का यहां तक तो ठीक है, लेकिन O2 माइनस जैसे ही बनेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे O2 माइनस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है डियर, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ABMO में इलेक्ट्रॉन जब भी बढ़ता है, ये ABMO है, ये भी ABMO है, इससे पहले BMO आ चुका है और ये भी ABMO है, ABMO, तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन ABMO में जुड़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है जब भी ABMO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो अपन एक एक चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग सही बात है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज सही बात है, स्टेबिलिटी डिक्रीज सही बात है, तो करेक्टेड स्टेटमेंट तीनों में हो गए ABC। बंद जो इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधित में जुड़ा है आपको सबको दिख रहा है सामने, बंद की लंबाई बढ़ती है सही बात, बंद क्रम घटता है और बंद का स्थायित्व जो घटता है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जुड़ा है, अणु का स्थायित्व घटेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 19th पे, 19th द करेक्ट ऑर्डर इज, कौन सा सही क्रम है, पहला O2 मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट तो इसमें क्या है O2, O2 का अपन देखा था, O2 कुछ इस तरह से होता है, ये O2 का डायग्राम था और ABMO थे तीनों के तीनों, और इसमें O2 में इस तरह से रहता है, O2 माइनस टू में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये O2 माइनस टू हो जाएगा, फिर O2 कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर O2 प्लस टू, O2 प्लस टू में इलेक्ट्रॉन दोनों गायब हो जाएंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन सॉरी प्लस वन है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, सॉरी ये O2 और ये O2 प्लस। अब अपने बात करनी है मैग्नेटिक मोमेंट की, बात करनी है चुंबकीय आघूर्ण की, बात करनी है जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण, तो सबसे ज़्यादा O2 का हो जाएगा और सबसे कम O2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो O2 माइनस टू का सबसे ज़्यादा इसने गलत दे रखा है, इनकरेक्ट ही पूछा था, ये आंसर हो जाएगा। आगे चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन यही अपना काम हो गया तो आगे क्यों बढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है O2 माइनस टू का जीरो होता है, सबसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है डियर, जो असत्य कथन पूछा है, तो O2 माइनस टू का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जीरो, तो सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर ये खोटा हो गया। आगे अपन चेक कर लोगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें 8 से ज़्यादा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपन सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अपन देख लेते हैं, PCl3 है, तो फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर शेयर के बाद आपको और काउंट करने होते हैं, 5, फिर 3, 8, इसमें 8 हो गए। PCl5 में देखो, फॉस्फोरस के 500 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है, इसका मतलब स्ट्रक्चर सॉरी, तो PCl5 में अपने को पता है इसकी TBP होती है स्ट्रक्चर, हालांकि स्ट्रक्चर की ज़रा ज़रूरत नहीं है, और Cl और Cl वैलेंस सेल में कितने हो जाएंगे, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके हर बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्टेट होता है, 8 से ज़्यादा सुपर ऑक्टेट होता है, और उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट बोल सकते हैं, लोअर ऑक्टेट बोल सकते हैं। ठीक है डियर, हाइपर वैलेंट भी बोलते हैं, एक हाइपो एक हाइपर, तो 8 से कम है तो हाइपो, 8 से ज़्यादा तो हाइपर, अदरवाइज कंप्लीट। चलो, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, विच इज लीनियर इन शेप, विच इज ओर आर, देखो एक एक ड्रॉ करना पड़ेगा, I3 माइनस की स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, एक I माइनस आ गया, ठीक है, और एक और आयोडीन, ये I3 माइनस रहा। देखो I3 माइनस को जब भी लिखो तो ऐसे लिखना चाहिए, I2 माइनस, एक सेंटर में रख दिया, दो सराउंडिंग में आ गए, सेंटर में रख दिया, दो सराउंडिंग में आ गए, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन, एक आई रहा, एक आई रहा, एक लोन पेयर रहा, दूसरा लोन पेयर रहा, तीसरा लोन, लीनियर शेप आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लीनियर है। I3 प्लस देख लेते हैं, I2 प्लस लिख दूंगा इसको मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच जाएंगे, 7 होते हैं, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो ये हो जाएगा बैंड शेप का आ जाएगा, तो इसका लीनियर तो नहीं आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, बैंड शेप का आ जाएगा, तो ये लीनियर नहीं होगा,
XEF2 सेम सिचुएशन IIA2 माइनस वाली है, XEF2 में सेम सिचुएशन है, तो इसमें लीनियर आ जाएगा, दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर, और इस तरह से लीनियर शेप में आ जाएगा, ठीक है डियर। चलो उसके बाद बात करते हैं ICL3। ICL3 में क्या होगा, आयोडीन है उसमें तीन Cl है, आयोडीन वैसे कितना होता है, एक दो तीन चार पाँच छः, वैसे भी लीनियर आने की पॉसिबिलिटी पता कहाँ होती है, ट्राई एटोमिक में होती है, ट्राई एटोमिक है तो लीनियर आने की पॉसिबिलिटी, अदरवाइज लीनियर आने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, पर चेक कर लो, एक लाइन में तीन ही तो एटम हो सकते हैं, तो फिर भी चेक कर लेते हैं, छः सात हो गए, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा क्लोरीन, ये दो लोन पेयर हो गए, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, तो इसमें आयोडीन दो लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, ये Cl और ये Cl टी शेप में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लीनियर ए और सी लीनियर है, आंसर थर्ड हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, जिसमें बोला सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो सुनिए इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट बी सी एल टू में बी जो आइटम उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, चेक कर लेते हैं, वैसे बी सी एल टू जब सॉलिड स्टेट में होता है तो अपना पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये नीट 2021 के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसी की स्ट्रक्चर बारे में क्वेश्चन था, तो वापस आपके लिए रिपीट किया गया था कि आप भी अच्छे से पढ़े उसको डियर। चलो और इसमें क्या होता है, ये इसको लोन पर प्रोवाइड करता है, और यहाँ से कोई इसको एक लोन पर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एक और लोन पर प्रोवाइड किया गया, फर्दर लोन पर प्रोवाइड करता है, ये बना हुआ बॉन्ड है, ये इसको रिवर्स में एक वापस लोन पर प्रोवाइड करता है, ये इसको रिवर, और ये कहीं और क्लोरीन भी इसको लोन पर प्रोवाइड करता है, हर पेरिलियम चार सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो sp3 हाइब्रिड होगा, तो बिल्कुल सही बात है। O2 इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है, अपन देखा होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है उसके अंदर O2 प्लस के अंदर, तो बिल्कुl पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज 1.33, BF3 में जो बोरोन है उसके साथ बैक बॉन्डिंग बनती है, और ये एक सिग्मा सॉरी एक पाई जो बॉन्ड है तीनों में मटा रहता है, 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बॉन्ड BF3 में जो बॉन्ड एनर्जी है नॉर्मल BF बॉन्ड से क्या होती है, ज़्यादा आती है, ठीक है डियर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ चुका होता है। ऑर्डर ऑफ CLO4 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर जो है CLO4 माइनस में अपन थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था 1.75 आया था, जबकि इन्होंने 1.5 दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सो इनकरेक्ट सॉरी, तो आंसर फोर्थ आ जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट बात करते हैं 23 पे, इन विच ऑफ द इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑब्जर्व्ड इन, किसके अंदर सबसे ज्यादा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं, तो वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं। DSP2 में जो स्ट्रक्चर आती है सेंट्रल एटम के साथ स्क्वायर प्लेनर आती है, तो इसमें एक दो तीन और चार, टोटल चार 90 डिग्री पे होते हैं। sp3d2 में छः 90 डिग्री पे होते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, तो इसमें जो 90 डिग्री बनता है ये 90 डिग्री ये जो एटम्स लिख देते हैं, और ये सेंटर वाला हो गया, तो ये ऊपर वाला जो होता है इन तीन के साथ 90 रहता है, और नीचे वाला भी इन तीनों नीचे से 90 डिग्री, छः टोटल हो गए। sp3 में 0-90 डिग्री पे होता है, जबकि sp3d2 में टोटल 12-90 डिग्री की पॉसिबिलिटी होती है। देख लेते हैं कैसे, ये स्क्वायर प्लेनर होता है जिनका आपस में चारों में 90 डिग्री, और जो ऊपर और नीचे से ऑक्टाहाइड्रन फॉर्म जब बनती है तो ये इन चारों के साथ फिर चार एच चार 90 डिग्री और नीचे से फिर चार, तो टोटल 4+4+4 इज गोस टू 12, टोटल 12 90 डिग्री बनते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में, ये 90 डिग्री के बंद की है ना, बंद कोण की। ओके डियर, तो 23 में आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 24th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल, वॉलेटाइल जो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब वॉलेटाइल नेचर का मतलब है कि कौन ज़्यादा वेपर बनाएगा, और लीस्ट वॉलेटाइल जो सबसे कम वेपर बनाएगा, जिसमें एच बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितने अच्छे होते हैं उसमें वॉलेटाइल नेचर उतनी कमजोर हो जाएगी, और इन मॉलिक्यूलों जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो इन सब में एच बॉन्डिंग कारण सबसे स्ट्रॉन्ग एच सी एल एच एफ में हो जाता है, तो ये लीस्ट वॉलेटाइल एच एफ हो जाएगा। ओके डी 24th में हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 25 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है, सिंपल सा एमओडी बेस्ड क्वेश्चन है। एमओडी बेस्ड क्वेश्चन बस इतना सा ध्यान रखें, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, फिर 15 16 17 18 19 और 20 तक चलो तो 0.5 से डिक्रीज होता रहेगा, और जो ऊपर भी जाओगे 13 12 11 10 9 8 यहाँ पे 1.5 से डिक्रीज होता रहेगा,
तो पहला सी एन माइनस है, तो सी एन माइनस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14, इसमें बॉन्ड रोज हो जाएगा 3, 14 इलेक्ट्रॉन में। सी एन प्लस तो इसमें हो जाएगा 13, इसमें 2.5 आ जाएगा। ओ टू माइनस, ओ टू माइनस 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 है, ये 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। जबकि सी एन माइनस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सी एन माइनस 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर है। नेक्स्ट एनओ प्लस, एनओ में टोटल इलेक्ट्रॉन एन में हो गया 7 प्लस 7, 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। और सी एन, सी एन में भी सी एन प्लस है, तो सी एन प्लस में हो जाएंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं सी एन माइनस, 14 इलेक्ट्रॉन 3, एनओ प्लस इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3, तो फोर्थ में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है। देखो अपने एनसीआर टीम बहुत प्यार समझाया होगा, जब भी एच बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है, एच बॉन्ड जब बनता है दोनों पार्टिकल से पास आते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उनको इतना स्लोली पास लेके आया जाता है कि नेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज ऑलमोस्ट, या काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो रहे उनकी, क्योंकि स्पीड जीरो के साथ इसको लेके आते हैं बहुत स्लोली, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उनकी जैसे वो पास आते हैं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, तो पास आ रहे हैं तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर से हम देखते हैं कि नेगेटिव आती है पोटेंशियल एनर्जी। इनफाइनाइट पे आर जीरो था तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर जो था, आर इनफाइनाइट तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन जैसे वो आर डिस्टेंस पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन जो है एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव एक पॉजिटिव, इससे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाती है। जो इनफाइनाइट थे जीरो एनर्जी के साथ थे, आर डिस्टेंस पर नेगेटिव पोटेंशियल के साथ हो चुके हैं, काइनेटिक्स की जीरो है ही, तो इसका मतलब एनर्जी नेट रिलीज हुई है। ओके डियर, तो नेट एनर्जी रिलीज होती है, और वैसे भी जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एच एच में जब बॉन्ड बनता है उस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें बॉन्ड फॉर्म होने के कारण एनर्जी क्या होती है, एक्चुअली रिलीज। अब नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज होती है और नो डाउट जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है तो एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, परमाणु की स्थायित्व आणविक रूप में आने पर बढ़ जाता है, तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा, इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा था इसलिए, और पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी ज़रा अधिकतम रिलीज हो मैक्सिमम रिलीज हो उतनी बढ़िया है, और अट्रैक्शन जितना मैक्सिमम उतना बढ़िया है, तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव होता है, मिनिमम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका ग्राफ बनाया जाता है कुछ इस तरह का, ग्राफ अपन लोग बनाते हैं इसका, कुछ इस तरह ग्राफ बनाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर मिनिमम होती है, यहाँ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, तो पोटेंशियल मिनिमम और अट्रैक्शन मैक्सिमम, न्यूनतम स्थिति जो अधिकतम आकर्षण, सेकेंड आंसर हो जाएगा। 27 पे आते हैं, 27th बोल रहा है एलिमेंट ए 3 इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट बी के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें किस तरह का मॉलिक्यूल आउटर मोस्ट के लिए रखें, तो एक तो बोरोन मान लेता हूँ उसके वैलेंस सेल में होते हैं, और एक फ्लोरीन मान लेता हूँ उसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें कैसा कंपाउंड बनेगा, BF3 टाइप का बनता है अपने को पता है, या BCl3 ले लो, BCl3 टाइप का, AB3 टाइप का फोर्थ आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, आप तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप मान लिया करो, बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, क्लोरीन में 7 और BCl3 टाइप का बनते हैं पता है, तो आंसर AB3 टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 की। ए कंपाउंड ऑफ मेटल एम दिस, मतलब M2O3, तो इसने कंपाउंड दे रखा है, मतलब मेटल पे प्लस 3 होगा, ऑक्सीजन में माइनस 2 होता ही है, तो फॉर्मूला ऑफ इट्स हैलाइड, इसके हैलाइड का क्या सूत्र होगा, तो माइनस 3 के लिए 3 हैलाइड चाहिए, क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो कुछ भी ले लो, तो MCl3 टाइप का बन जाएगा, तो MX3 टाइप का इसका हैलाइड बन जाएगा। ये सिंपल से एक एग्जांपल उठाओ पिक करो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 29 पे, द लैटिस एनर्जी ऑफ द ऑक्साइड ऑफ दिस 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 एंड दिस एज फॉलो, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम और बेरियम की जो लैटिस एनर्जी है उसका ऑर्डर क्या होगा ऑक्साइड्स का, तो Mg की सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, लैटिस एनर्जी का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है वो Q1 इंटू Q2 अपॉन R A प्लस R जो कैटाइन और एनाइन की होती है, तो Q1 Q2 सब में सेम है प्लस 2 माइनस 2, रेडियस पे बात आ गई, जितनी ज़्यादा रेडियस उतनी रिलीज लैटिस एनर्जी उतनी ही कम, तो रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, SR की हो जाएगी इन सब में, सॉरी BA की हो जाएगी, BA की सबसे कम हो जाएगी, और MG की सबसे ज़्यादा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा MG की हो जाएगी क्योंकि राइस सबसे छोटा है या चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 के बाद 30 की। 30 में दे रखा है विच पेयर इन द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक करेक्टर रेस्पेक्टिवली, किसमें अधिकतम और न्यूनतम आयनिक गुण है चेक करना पड़ेगा, तो पहले वाले का तो अधिकतम होना चाहिए, तो RBCl अच्छा आयन है,
आयनिक बॉन्ड, LiCl थोड़ा कमजोर है तो RBCl अच्छा है, AgCl सबसे कमजोर है, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक करेक्टर। तो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर तो इन दोनों में आ गए, और मिनिमम आयनिक करेक्टर LiCl और BCl2 में, BCl2 की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे तो आयनिक कम हो जाएंगे, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 31st की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट डायरेक्शनल होता है, मेटल भी नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अभी तो सारे मॉलिक्यूल जो है या तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तीनों कोवलेंट बॉन्ड बने हुए सब में, इसमें आयनिक बॉन्ड बना हुआ, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। पूछने का तरीका देखो, आयनिक कंपाउंड देता तो सिंपल सी बात हो जाती है, और पूछा कैसे नॉन डायरेक्शनल, ऐसे ही क्वेश्चन में आता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके पूछी जाती है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट 32 पे बात करते हैं। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, कहते हैं जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है कैटायन की उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ध्रुवण क्षमता उतनी ज़्यादा होती है जितना आवेश घनत्व होता है। इसको पोलराइजिंग पावर फाई से डिफाइन करते हैं, क्यू बाई आर होता है, जितना ज़्यादा रेडियस कम होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ज़्यादा होता है, चार्ज आवेश ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कौन कौन है? बेरिलियम +2 सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, क्योंकि साइज चार्ज सबसे ज़्यादा, साइज सबसे छोटा, उसके बाद Mg+2 आ जाएगा। चार्ज पहले, चार्ज को प्रायोरिटी, पहले चार्ज को देखेंगे, चार्ज इसका ज़्यादा उसको पहले लाइन मिलेंगे, और पोटेशियम को सबसे कम चार्ज है, उसके बाद साइज की बात है। इनमें साइज से कंपेयर कर लिया और इसका इसके साथ चार्ज से कंपेयर कर लिया, तो बी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर Mg, बेटा मांगे कार के सबसे कम। तो इससे पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ये आएगा, इंक्रीजिंग बोला डिक्रीजिंग बोला ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 33 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकर्न डज नॉट एग्जिस्ट एट एस सॉलिड। हाँ, लिथियम और पूरे इस ग्रुप में जो बाइकार्बोनेट है, NCERT लाइन है कि लिथियम बाइकार्बोनेट हाईली अनस्टेबल होता है, थर्मली बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं मिलता, ये डिकम्पोज हो जाता है इसे कार्बोनेट और CO2H2 रिलीज करके। ओके डियर, आंसर हो जाएगा फोर्थ, सिंपल NCERT लाइन से बात की मैंने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आर नॉट अलाउड, कौन सा सही नहीं है। तो VBT जो बोलती है वो केवल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के बारे में बात करती है, तो बात करता हूँ, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं किसी टाइप का, ना तो पाई बॉन्ड बनेगा ना सिग्मा, इन दोनों की एक्सिस डिफरेंट है, तो यहाँ भी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, एक प्लस साइन एक माइनस साइन नहीं हो पाएगा, ये प्लस के साथ सिग्मा ओवरलैपिंग, प्लस का साइडवाइज पाई ओवरलैपिंग, तो फोर्थ एंड फिफ्थ आ जाएगा, और कोई देख लो पॉसिबल तो नहीं है भाई जी, नहीं है, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट पॉसिबल है नहीं है, सेकंड पॉसिबल है नहीं है, थर्ड पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। पूछा क्या गया है, ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही नहीं है, मैंने गलती से ये रीड आउट कर लिया, कौन सी पॉसिबल है, तो ऑप्शन फोर्थ एंड फिफ्थ ढूंढ रहा था जो कि था ही नहीं, तो अपना ऐसे हालांकि फोर्थ फिफ्थ देता तो गलत हो जाते हैं जल्दी से, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है एग्जाम में, चलो अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिया तो गलत नहीं हुए, तो नॉट पॉसिबल जो होती है अपन संभव नहीं है, तो सेकंड आता है, ये पहले तीन में संभव नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 35 के बारे में, इंडिकेट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू VBT के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, सत्य कथन VBT के अकॉर्डिंग चुनना है। बात करते हैं एक का, सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन अबाउट द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत बात है, वो एक्चुअली 360 पे रोटेट होता है सिग्मा बॉन्ड, तो इस तरह से कोई दिक्कत ही नहीं होता, पाई नहीं घूम पाता। नेक्स्ट है, पी कक्षक ऑलवेज हैव ओनली साइडवाइज, केवल सम पारिवेशिक नहीं, सिग्मा भी बना सकता है, कोई बुरी बात नहीं इसमें, ठीक है डियर। एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, वो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग वाला केस आ जाता है, ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 36 की, 36 में बात आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज करेक्ट, और एक्स एक्सिस को अपने को मानना है इंटरमोलिकुलर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, तो ये यदि एक्स एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो केवल सिग्मा उस एक्स पे ही बन पाएगा, भाई साहब एक बात ध्यान रखना, इस पे ही सिग्मा का फॉर्मेशन होगा, और वाई और जेड जो है पाई को बनाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, वाई पाई को बनाएगी सही बात है, ये पॉसिबिलिटी पाई बन नहीं सकता, और पी जेड और वाई कोई मैचिंग नहीं है, तो सेकंड आ जाएगी पॉसिबिलिटी, पूछिए कौन सी सही है, तो दोनों वाई और वाई के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो ही जाएगी। 37 पे बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग, बॉन्ड एंगल बताना है, CL, फिर
कुछ इस तरह से सील में तीनों ऑक्सीजन एक लोन पेयर, और तीनों के मजे के बाद स्ट्रक्चर सेम है, और मैं बना रहा हूँ रेजोनेटिंग हाइब्रिड इन सबकी। इसकी रेजोनेटिंग अब यहाँ पर एक जगह बी आर आ जाएगा और एक जगह आयोडीन आ जाएगा सेंटर एटम। अब मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत प्यार से, ब्रोमीन को मैं रखता हूँ, मैं आयोडीन की बात करता हूँ, कंपेरिजन जो इनसे हो जाएगा जोड़ना है। लास्ट दो अल्टीमेट सिचुएशन पे कंपेयर करता हूँ मैं केवल, ठीक है, ताकि दूसरों की दिक्कत ना आए। अल्टीमेट लास्ट दो सिचुएशन पे बात करता हूँ मैं केवल, ठीक है। तो इसमें बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन और क्लोरीन की ईएन का डिफरेंस, आयोडीन और ऑक्सीजन का ईएन का डिफरेंस, ऑक्सीजन क्लोरीन का ईएन का डिफरेंस कम है, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे, बॉन्ड जो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वो कुछ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड नहीं होंगे क्या? और जितने ज़्यादा सेंटर की तरफ होते हैं, सेंटर एटम की तरफ होते हैं, उतना ज़्यादा बॉन्ड की वजह से रिपल्सन लगता है। आप देखो ना, जितने ज़्यादा सेंटर की तरफ होंगे उसमें, उतना ज़्यादा रिपल्सन लगेगा सेंटर की तरफ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बॉन्ड के, तो वो बेचारा बॉन्ड फैलता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप देखो कि आयोडीन के बेचारे की इनकम है तो सराउंडिंग की तरफ चला जाएगा, इसमें सेंटर की तरफ है, ज़्यादा सेंटर की तरफ होगा तो बॉन्ड एंगल रिपल्सन कारण बढ़ जाएगा, तो CO3 में सबसे ज़्यादा आ जाएगा, इसमें सबसे कम आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल का इसने पूछा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज, तो इन स्पीसीज सबसे ज़्यादा इसमें आ जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट बात करते हैं 38 में, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अरे वाह, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज है। देखो बॉन्ड एंगल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारी वैरायटी जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैंने आपके सामने रख दी है ना। तो PS3, SS3, NS3, SBS3 सेम फंडा है, और सेम ही तरीके अभी जो सीखा था, सेंटर की ईएन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। F2O, H2O, ये अच्छा क्वेश्चन, Cl2O। इसमें F2O में देखो, F लोन पेयर, H2O में H लोन पेयर, और Cl2 सेम सिचुएशन तीनों में, Cl एंड Cl। लेकिन ये दोनों साइड में जो सराउंडिंग में वो छोटे साइज के हैं, ये सराउंडिंग बहुत बड़े साइज के हैं, तो ये रिपल्सन करेंगे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा होगी, सही बात। अब लड़ाई F2 और H2O की है, F- और H- बहुत ज़्यादा साइज में डिफरेंस नहीं होता, F- में दोनों सराउंडिंग छोटे। देखो साइज का डिफरेंस तब देखा जाता है जब पीरियड में नीचे जा रहे हो, तब साइज अच्छा खासा बढ़ता है, लगभग 20 से 40 पिकोमीटर तक बढ़ता है। देखो लेफ्ट राइट जाना 10 से 5 पिकोमीटर का ही चेंज आता है, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो चेंज आता है, लेफ्ट राइट का ज़्यादा चेंज नहीं आता, ऊपर से नीचे जाने पर ज़्यादा चेंज आता है। तो इनमें आप ईएन से जस्टिफाई करोगे, तो ये सराउंडिंग की ईएन ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग की तरफ मूव हो जाएंगे, इस पर सेंटर की तरफ मूव होंगे, रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो F2 में सबसे कम हो जाएगा, तो आंसर सेकंड आ जाएगा, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, बॉन्ड एनर्जी जो भी दे रखा है। इसमें बॉन्ड एनर्जी की बात की है, आप सबको बताया इसमें 15 इलेक्ट्रॉन 2.5 आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, 17 1.5 आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक लिखी थी। ये बॉन्ड एंगल सही है, बिल्कुल सही है ये बॉन्ड एंगल, भले ही आपने अब सोच रहे हो सर सराउंडिंग में तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो बाउंड सराउंडिंग भले ही साइज बढ़े, यहाँ पर फ्लोरीन एंड फ्लोरीन 120 एंगल है ना, और बी आयोडीन का ले लेता हूँ, BI3 या BBr3 ले लो, BR और BR। आप देखो ना कि इसमें भी 120 ही आएगा बॉन्ड एंगल, इसमें भी 120 है, भले सराउंडिंग में स्पेस नहीं है ना, वो जो फंडा होता है सराउंडिंग में साइज बड़े वाला, उसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ताकि ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन दिया आप लोगों को, ताकि सराउंडिंग में स्पेस मिले उसको फैलने के लिए, इसमें कोई स्पेस नहीं है सराउंडिंग में फैलने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा, और ये क्या है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा NH की सबसे कम है, ठीक है, PH की और बड़ी है, सही इसकी और बड़ी, इसकी और बड़ी, ठीक है। तो ऑर्डर तो देख लेते हैं, ये गलत हो गया ना, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, गलत खोटा हो गया, ये सही है, ये भी सही है, तो आंसर फोर्थ क्या बैठेगा, तो आंसर अपना फोर्थ है, सेकंड एंड थर्ड दोनों, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, तो अल्टीमेटली 39 में क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ओके डियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 40 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर MOT के अकॉर्डिंग, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ओके डियर। बी नॉट स्टेबल, सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है। एच इज नॉट स्टेबल, सही, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो आता है। एच ई प्लस एस्पेक्ट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम इन डायटोमिक होमोएटोमिक, बिल्कुल सही, 3 आता है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है, ये भी सही बात है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरम, F2 में σ2s, σ*2s, ठीक है, π2px, π2py सेम होता है, लेकिन ये इन दोनों से पहले आता है, याद करो,
ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया 14 इलेक्ट्रॉन है उससे कम के लिए बनाया है, जबकि अपने को F2 के लिए बोला है, तो ये गलत डायग्राम है। एक्चुअली इस डायग्राम में ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो गलत आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 41st की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज वुड एक्सपेक्ट टू हैव लार्जेस्ट डिफरेंस स्पिन मोमेंट। देखो लार्जेस्ट डिफरेंस तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लार्जेस्ट होता है। भाई एक में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंस जीरो का सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। एक में जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें एक में जीरो है इसमें दो, जितना ज्यादा डिफरेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट में भी डिफरेंस ज्यादा आएगा। जैसे इसमें O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 में O2 प्लस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, O2 माइनस टू में जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। O2 वो डायग्राम मेरे दिमाग में उससे काम कर रहा हूँ, एक ड्रॉ नहीं कर रहा। O2 माइनस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, O2 प्लस में एक अनपेड, इसमें जीरो, सबसे कम डिफरेंस में और सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस में, तो सेकंड आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, सबसे ज्यादा डिफरेंस में आ जाएगा, सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण का अंतर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 42। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस दिस दिस। देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है आप सबको पता है कि 3 आता है, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 होता है, क्योंकि ये 13 है ये 15 है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इस कंपेयर टू इसके एबीएमओ में, तो जिसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसकी अनस्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ओके डियर, कंपेयर करने के तरीका है। तो इन में सब दोनों से स्टेबल तो ये हो गया, अब इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो N2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, N2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर N2 प्लस और फिर N2 माइनस, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं 43 पे। 43 क्वेश्चन बोल रहा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स एज सच दैट, गिवन जो मॉलिक्यूल है NF3 BF3 का जीरो हो जाएगा, रेगुलर ज्योमेट्री है, BF3 का जीरो हो जाएगा, सबसे कम ये आना चाहिए, सबसे कम तो इसी का आना चाहिए, 120 एंगल है तो सबसे कम BF3 होना चाहिए। वैसे ऐसा ऑप्शन एक दिया है, अब तुम देख लो बेचारे क्वेश्चन जो भी है आंसर थोड़ी आ ही जाएगा। और NS3 NF3 कंपेयर कर लो, NCERT में बहुत प्यार से दे रखा है कि NS3 में जो लोन पेयर है उसका ऊपर की तरफ आता है, H भी ऊपर की तरफ भेजता है, जबकि F अपनी तरफ खींचता है, लोन पेयर तो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन इसमें F अपनी तरफ खींचता है, अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है दोनों की, तो नेट कुछ कट जाता है, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा NF3 का कम रह जाता है। वैसे आंसर पहले आ गया थर्ड अपने पास। फिर आते हैं 44 पे, पूछा जा रहा है विच ऑफ कौन सा डेटा हो जिसमें मैक्सिमम क्या आ जाए, उस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम आ जाए। तो सुनना, डाइपोल मोमेंट जब भी लगता है सेंटर से या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों में एक साइड होगा, ठीक है, यदि अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ मानता हूं, तो दो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं उनमें जितना ज्यादा एंगल होगा या 180 की तरफ होगा उतना ही नेट रिजल्टेंट जीरो की तरफ जाएगा, और जितना ज्यादा उन दोनों में बॉन्ड एंगल कम होगा उतना रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, ये आप लोगों को लिखवाया भी जाता है। तो ये थीटा जितना कम होगा जीरो होगा सबसे मैक्सिमम आ जाएगा, तो थीटा सबसे कम किसमें है, 120 180 और 150 और 90 सबसे कम है, रिलेटिवली सबसे कम इसमें आएगा, √2x आ जाएगा, √2μ आ जाएगा दोनों का रिजल्टेंट जो म्यू मान रहे हैं, जबकि इन सब में इसमें म्यू आएगा, है ना, तो हर किसी में अलग अलग आएगा, इसमें जीरो ही आ जाएगा। ठीक है डियर, तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा 180 की तरफ उतना डायपोल मोमेंट घटता जाएगा। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 45 की। 45 बोला जा रहा है इन द गिवन बॉन्ड विच वन इज मोस्ट आयोनिक। देखो मोस्ट आयोनिक वो होगा इसमें ईन का डिफरेंस ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ऐसे कंपेयर करो या फिर पोलराइजिंग पावर वगैरह सब देखते हैं, लेकिन ईन डिफरेंस सबसे पहला तरीका होता है। ठीक है, तो सी एस की सबसे कम होती है, सी एल सब में कॉमन हो गया, तो इसमें सबसे कम वाले जिसकी ईन होगी, भाई सी एल की तो ज्यादा है ही 3 है, अब इनमें देख लो सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम सीजियम की से कम क्या होगी, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें आ गया, तो सबसे ज्यादा आयनिक सी एस सील हो जाएगा, सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट है 46 है इन विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में नहीं होनी चाहिए, जैसे कार्बन है, समझाता हूँ, 1s2 2s2p2 होता है, वैसे देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी दो ही होती है, लेकिन अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करता है, इसके दो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट करता है, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4। तो इसने तो एक्साइट किया है, VF3 भी एक्साइट करता है, क्योंकि बोरोन में क्या होता है 1s2 2s2 2p1 होता है, अभी तो इसकी वैलेंसी एक ही, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन वेबिटी के अकॉर्डिंग वैलेंसी होती है एक ही, लेकिन आगे अनपेड जो है एक हो जाता है अंदर का एस वाला, तो 3 हो जाती है।
PCl3 में, फॉस्फोरस में अपन देखते हैं नियोन 3s2 3p3 होता है, तो इसमें s का इलेक्ट्रॉन और p का जो इलेक्ट्रॉन है, तीन हेजेस एग्जिस्ट पड़े हैं और एक्चुअली इन तीन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो PCl3 में कोई वैलेंसी का एक्सपेंशन नहीं होता। हाँ, IF7 में तो नो डाउट होगा क्योंकि सात वैलेंसी आयोडीन की वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही वैलेंसी आएगी और ज्यादा की एक्सपेंशन किया, फोर्थ आंसर हो जाएगा 46 में। बात करते हैं 47 की। 47 बोल रहा है कि ई नोट वैल्यूज दे रखी है Cr+3Mn+2 की। देखो ई नोट की वैल्यूज दे रखी अच्छी बात है, पर मैं इनकी ई नोट वैल्यूज के बिना इसको करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक बड़ा जनरल चीज है, डीप लोग बच्चों कंफ्यूज करता है, सुनो ध्यान से। क्या तरीका है कि जो Mn या उसके बाद वाले हैं वो +2 में स्टेबल है और Mn से पहले वाले +3 में स्टेबल है, ये एक तरीका है काम करने का। अब हर किसी की अपनी अलग अलग स्टेबिलिटी, वो एक अलग बात है। और भाई स्कैंडियम में तो +3 पता है मिलता ही वो है, टाइटेनियम +4 होता है जिसमें एप्लीकेबल नहीं है, मेन तो क्रोमियम के लिए बात है एक्चुअली, ठीक है। और राइट हैंड साइड में सबके लिए वैलिड है मैग्नीज, आगे आयरन हो गया, आयरन का +2 ज्यादा स्टेबल होता है +3 कंपेयर में ई नोड की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रिक दिमाग में फिट कर लो, आप याद मत करो, रटो मत, ये ट्रिक दिमाग सेट कर लो, ये डेटा के अकॉर्डिंग बनाई हुई ट्रिक है। तो ऑब्वियस बात है क्रोमियम जो है डेटा से देख लो, तो ये ट्रिक याद रखो ना यार, क्रोमियम +3 में स्टेबल होता है पक्की बात है, तो क्रोमियम +3 में स्टेबल, ये क्रोमियम +3 माना चाहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो Cr+2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है +3 में आए, और Mn इलेक्ट्रॉन लेके +2 माना चाहता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, सामने से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन के उसको ऑक्सीडाइज ऑक्सीकृत कर देगा, खुद रिड्यूसिंग, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया ना, खुद रिड्यूस हो गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही बात है बिल्कुल। वैल्यूज के बिना ही सोच लो यार, क्या दिक्कत आगी, काम में आती है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसके दो दिए इस तरह के ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी NINPT गिवन, ठीक है, I1 I2 I3 N5 ऐड दिया, फॉर्म द डेटा, इसने कंपेयर किया अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ध्यान सुनना, आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक तरीका होता है अपने को कंपेयर करने का, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उस ऑक्सीडेशन स्टेट मुश्किल से पहुंचा है, हालांकि इनोड सबसे सर्वोपरि है, जैसे इन दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में जो 1+2 का जो एडिशन है वो ज्यादा किसके लिए, प्लेटिनम के लिए ज्यादा है, और 3 और 4 का जो एडिशन है वो किसका ज्यादा है, वो निकल का ज्यादा है, तो इसका ज्यादा तो मुश्किल से पहुंचा है, तो +4 की बात करूं स्टेबिलिटी की, +4 ऑक्सीडेशन की बात करूं स्टेबिलिटी की, तो निकल की जो स्टेबिलिटी बेचारे कम हो जाएगी, प्लेटिनम की ज्यादा हो जाएगी, और +2 की बात करूं, यदि +2 की बात करूं स्टेबिलिटी की, तो निकल की कम आयोनाइजेशन स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी निकल की +2 में ज्यादा है, देखते ऑप्शन, निकल +2 कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल देन प्लेटिनम +2, बिल्कुल सही बात है, एंड प्लेटिनम +4 आर थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल देन, ठीक है, ये बात भी सही है, सेकंड और थर्ड दोनों से ये ठीक है। फोर्थ जो प्लेटिनम फोर्थ है कंपाउंड आर थर्मोडायनेमिक लेस स्टेबल, प्लेटिनम फोर्थ लेस नहीं, वो तो मोर है, चलो तो आंसर क्या बनता है इसका, थर्ड, तो आ जाएगा 48 में थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 49 के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस X+ ion इज रूट 24 है, इसके वैल्यू 4 point something आएगी, जो भी है 4 point something वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, मेरा ये तरीका है ट्रिक करने का, काम करने का, जितने पॉइंट समथिंग जो भी हो ना उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रिक है ये, दिमाग फिट कर लो, ये ट्रिक से कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ट्रिक से करेंगे तो जल्दी होगा, द्विघात हल करनी पड़ेगी, तो ट्रिक जितनी भी सिखा रहा हूँ मैंने, बहुत सारे तुम्हें सिंपल तरीके बताए, तुम पता भी नहीं इस बात का, मैंने बहुत सारे सिंपल सिंपल ट्रिक फॉर्म में आपको तरीके बताए, इन सबको नोट करते जाओ, काम में करो, अप्लाई करो, मजा आएगा पेपर करने में और जल्दी काम होगा, मजे की बात यह है। तो ये एन बराबर क्या है, 4 है, और एन बराबर 4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 26 मतलब आयरन, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग, आयरन होता क्या है 4s2 3d6 होता है, ठीक है, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो किस दो बात पूछी है, एक तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, बात खत्म, और दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था क्या है देख लेते हैं, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट सेट करनी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको भी निकाल दो बस, +2 कर दो, तो 4 तो हो गए इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, आंसर आ जाएगा थर्ड, 49 का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 50 में, 50 बोल रहा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ए ट्रांजिशन मेटल कैन एग्जिबिट्स इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें जो संक्रमण धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, तो दो जन आते हैं लड़ाई में, एक तो होता है ऑक्सीजन, एक आता है फ्लोरीन,
क्योंकि इसका साइज कम होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इस वजह से फ्लोरीन जो हाईएस्ट तक लेके जा सकता है, क्लोरीन वगैरह का साइज ज्यादा हो जाता है, तो त्रिविम बाधा बोल सकते हो, इसको स्टेरिक रिपल्सन बोल सकते हो, त्रिविम प्रतिकर्षण बोल सकते हो, वो बढ़ जाता है, इस वजह से इतनी ज्यादा ऑक्सीजन व्यवस्था ले नहीं जा पाते हैं। जैसे जीनोन को हो गया या सीआर को हो गया, 5 तक लेके जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस वजह फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा नहीं होने देता, भीड़ नहीं होने देता, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 50th का, और फ्लोरीन से ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना, फ्लोरीन से ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन होता है, ये भी ध्यान रखना, एनसीआरटी लाइन है, फ्लोरीन से ज्यादा अच्छा इस काम में ऑक्सीजन ज्यादा तेज बढ़ता है, ठीक है। ओएसटी प्लस 8 याद ही रखनी अपने को, बिल्कुल लिखा है एनसीआरटी में, ऑस्मियम वगैरह एक दो दो जनवर होते हैं, प्लस 8 तक जाते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करते हैं 52 की, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईयू जिसका एटॉमिक नंबर 63 है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है एफ का, जो 4F सीरीज है उसका है, पहली बात तो लेंथ नोइड का एक तरह से यूरोपियम। अब 63 इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है कि जो 58 से स्टार्ट हो जाता है भाई, 54 नंबर पे तो इनर्ट गैस आती है, 55 पे इसका पहला आ जाता है, 56 पे इसका दूसरा आएगा, 56 पे सेकेंड एस ग्रुप आ जाएगा, 57 पहले डी की शुरुआत होगी, 58 से अंदर एफ स्टार्ट हो चुका है। अब 58 में एफ आ गया, ये डी वन भरा है अभी तक, अब एफ वन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 58, 59, 60, 61, 62, 63 कितने हो जाएंगे, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, और एफ क्या हो जाएगा, 6। अब एफ 6 जो है वो अर्धपूरित है, अर्धपूरित नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो ये डी का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो आप सबको पता है कि जो जीनोन है उसके बाद, ये जीनोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 54 नंबर पे, ये इसलिए लिखता हूं ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो जीनोन आया। जीनोन के जस्ट बाद जो जस्ट नीचे आते हैं, तो अपन बात करते हैं 6 पीरियड में आ जाते हैं, तो 6 पीरियड में 6s पूरा भरा रहता है, उसके बाद बारी आती है 5d की, 5d के इलेक्ट्रॉन खा जाता है वो, और फिर 4f की बारी आती है, 4f में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ओके क्लियर। तो 6s2 आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पहले जीनोन तो आ ही गया, जीनोन 4f7 5d0 एंड 6s2, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 52 में। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। K2Cr2 से उनको हीट किया जाता है, सिंपल सी रिएक्शन है, डी ब्लॉक किया, याद ही होनी चाहिए, Cr2O3 बनता है, Cr2O3 बनता है इसमें, अपना वापस Cr2O3 फॉर्म में आ जाता है। थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन है, क्रोमियम +7 से +6 और +3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में बोल सकते हैं इसको, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 54 की बात करते हैं, द एलिमेंट विच मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन द सेकेंड ट्रांजिशन। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात की है और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात की है, तो पहली स्कैंडियम वाली सीरीज है वो सबको याद रहती है, उसके बाद येट्रियम वगैरह को थोड़ा कम याद रहती है, तो आप सबको बताओ लास्ट में जिंक, कैडमियम और HG जो है इनकी सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये फर्स्ट सीरीज का है, ये सेकेंड सीरीज का है, थर्ड सीरीज का है, और बीच में इसमें क्रोमियम आता है, और जो हाइएस्ट पे जो होता है इसमें मोलिब्डेनम आता है, जो हाइएस्ट पे जाता है, तो जिंक तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ही, कैडमियम लग रहा ही हो सकता है, लेकिन क्रोमियम थर्ड का बरो सेकंड का नहीं है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता, क्रोमियम HG पॉसिबल नहीं, वो नीचे आ गया। आप ऑप्शन देखो यार, इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं सामने ने, उससे थर्ड सीरीज के एलिमेंट जो है ना, दोनों एलिमेंट सेकंड सीरीज के, इस फोर्थ ऑप्शन देखे और किसी में नहीं रखे, देखो यार आप थोड़ा समझदार लगे, और क्वेश्चन आपको नहीं पता मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो जानबूझ कैसे ऑप्शन दिए, तुम इतना तो पहचान लो देवता हो कि सेकंड सीरीज के बंदे कौन इनमें, इतना ही पता कर लो बस, याद नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन दिया भी नहीं जाता कि तुम डेटा याद करके जाओ, तो ऑप्शन इस तरह से डिजाइन कर दिया जाता है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 55 की, मैक्सिमम आयनिक रेडियाई जो है M+3 आयन की, तो अपने NCRD बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम बना रखा है, सबको याद रहता है, और उसको ट्रांजिशन लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों अच्छे से रखा है, और जो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो लेंथ नोड संकुचन होता है, उसमें सबकी रेडियस थोड़ी कम होती जाती है, तो अब सबको पता है लेंथ नम से स्टार्ट होती है कम होनी और सब तक धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो लेंथ नम सबकी सबसे ज्यादा नहीं आ जाएगी क्या, तो सबसे ज्यादा आ जाएगी लेंथ नम की, उसके बाद सबकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इस लेंथ नोड से चारों का चारों, ओके डियर। तो इसमें लेंथ नम आंसर हो जाएगा सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा वाली, उसके बाद बेचारा कम ही है। नेक्स्ट फॉलोइंग आयन, द कलर इज नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन, सुनना, जितने भी
कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकुल होते हैं, उनमें डीडी ट्रांजिशन की वजह से रंग आता है, ये बिल्कुल एनसीआरटीएमडी ब्लॉक में लिखा हुआ है। जबकि जो नॉर्मल K2CR27, CR2, K2CRO4 हो गया, KMNO4 हो गया, इनका डीडी ट्रांजिशन आंसर नहीं होता, इसमें रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल के बीच, उस वजह से कलर आता है। तो इसमें कलर का कारण देख लेते हैं, ये डीडी ट्रांजिशन से नहीं होता, आंसर ही होगा ये कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों में स्प्लिटिंग होगी, डीडी ट्रांजिशन होगा, डीडी संक्रमण होगा। ओके डियर, नेक्स्ट बात करते हैं 57 पे बोला हुआ है, हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेंड व्हेन जिंक रिएक्ट विद, जिंक जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, तो डाइल्यूट HNO3, तो ये नहीं करेगा यार जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, जब डाइल्यूट HNO3 से उसमें हाइड्रोजन तो इवॉल्व नहीं होती, क्यों नहीं होती, हाइड्रोजन केवल HNO3 जो है केवल MN और MG के साथ ही देता है, तो आंसर वहीं खत्म हो गया यार, बात वहीं खत्म हो गई, ठीक है, तो ये इवॉल्व नहीं करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी NCERT की रिएक्शन है। ओके डियर, ये भी NCERT में ही एज इट इज लिखी हुई डी ब्लॉक के अंदर, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ये दे देगा, ये भी देगा H2, ये भी देगा H2। नेक्स्ट 58 लैंथोनाइड सर, अब लैंथोनाइड क्या है सुनना, तो सबको पता है कि छठे पीरियड में छठे आवर्त में भरने स्टार्ट होते हैं, और छठे आवर्त में N-2 मतलब 4F भरा रहता है, ये सबको पता है, 58 से स्टार्ट होता है, 14 जोड़ दो उसमें 71 तक जाएगा, चलो तो 14 एलिमेंट है, 6 पीरियड से स्टार्ट है, एटम 58 से है, और 4F सबसे लेवल, ठीक बात है, ऐसे ही लग रहा है, 14th है, 7th पीरियड नहीं आएगा, 14 एलिमेंट 6 पीरियड है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ये नहीं होता, 14 है 7th पीरियड ये नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अब सोचते हैं बच्चे हमें एटॉमिक नंबर याद है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया पीरियडिक टेबल का तो तुम कर सकते हो इसको, मतलब डीप ब्लॉक में आपने लेंथ और सबने देखे हैं, बार बार देखे हैं, तो ये वहां पर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विल सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बात की है 3D की, बात डीप ब्लॉक की नहीं की, तो 3D में आप देखते हो पहले इंक्रीज होती जाती है, प्लस 7 तक जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है, वी शेप में बनती है ना, तो इसमें MN की प्लस 7 हाईएस्ट जाती है, तो MN आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की, 60 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो इसमें मेल्टिंग पॉइंट में अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बना था, वापस वैसे क्वेश्चन आ गया एज इट इज, अब आपको याद करोगे इसमें मेल्टिंग पॉइंट, चलो मुझे याद नहीं, तो एक तरीके से पता है, इतना तो पता है एटलीस्ट के उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का थर्ड में सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है, तो क्रोमियम सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये रहा क्रोमियम सबसे ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैग्नीज का जो होता है सबसे कम हो जाता है एक्सेप्शनली, मैग्नीज एक्सेप्शनली कम हो जाता है, तो MN का सबसे कम हो गया, तो आंसर क्या हो गया थर्ड, Fe बीच में आ गया। नेक्स्ट है 61, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल विल बी, ट्रांजिशन मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इंक्रीज इन, ट्रांजिशन मतलब अपन एक जनरल बात करें, जैसे 3D सी बात कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, इंक्रीज इन पीरियड, एक आवर तो बढ़ता है, नहीं नहीं एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, तो आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है डी के अंदर, पहले D1 फिर D2 फिर D3 D4 D5 तक मैक्सिमम बढ़ता है, उसके बाद D6 में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वापस पेयरिंग स्टार्ट होना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी आने लगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लग जाती है, तो पहले बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है, पहले बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है, समझ गए, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है बढ़ता है, तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, आगे बात समझ में, पहले बढ़ेगा फिर जाके घटेगा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आगे बात समझ में, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा फिर घटेगा, फोर्थ आ जाएगा 61 में। फिर बात करते हैं 62 में, KMNO4 रिएक्ट I- न्यूट्रल मीडियम, देखो I- जो है इन जनरल I2 देता है, लेकिन न्यूट्रल मीडियम में IO3- बन जाता है, क्योंकि I2 जो है आगे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है I- एंड IO3- में, तो फाइनल आंसर IO3- फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है, ये रिएक्शन NCERT एज इट इज लिखी हुई है। नेक्स्ट है 62 पे, व्हेन एसिडिफाइड, व्हेन सॉरी डज व्हिच डज नॉट अकर व्हेन H2O2 इज एडेड टू एसिडिफाइड KMNO4, एसिडिफाइड KMNO4 है, तो एसिडिक मीडियम में जो है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, देखो ये दोनों एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग भी रिड्यूसिंग भी, लेकिन KMNO4 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ओके डियर, तो अच्छा, और वैसे इनोड की वजह से कंपेयर करते हैं तो तरीका है काम करने का, भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी कर सकता है, डिपेंड सामने वाले पे कर रहा है, इसका मतलब सामने वाले पे डिपेंडेंसी है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद Mn+2 में आ जाएगा एसिडिक मीडियम, कलरलेस हो जाएगा, और इसको O2 में भेज देगा ऑक्सीडाइज करके, तो ये तो इसको O2 में भेज दिया और खुद किसमें आ गया, रिड्यूस होके
इसको ऑक्सीडाइज करिए, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। डीकलराइज सॉल्यूशन ऑफ केम, बिल्कुल सही बात है, MnO4 Mn+2 का डीकलर होता है, कलर नहीं होता, डज नॉट अगर है ना, तो ये होता है बिल्कुल। O2 इज इवॉल्व, सही बात है, O2 इवॉल्व हो रही है। H2 टू एक्ट एज ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल गलत बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 होता है, आंसर ये हो जाए, गलत पूछा है। और अगला क्या है, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर KMnO4 नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 64th पे, 64 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट स्पीसी इज मोर स्टेबल देन सेकेंड स्पीसी। वापस वही चर्चा है, Mn+2 Mn+3 विच ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट स्पीसी इज मोर स्टेबल, पहली ज्यादा होनी चाहिए ना, और बिल्कुल सही बात है, Mn+2 में ज्यादा स्टेबल होता है। इनमें देख लो, Scandium+3 ज्यादा होता है, Titanium+4 ज्यादा होता है, और Mn+2 ज्यादा स्टेबल होता है, फर्स्ट आंसर देखते ही आ गया। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 पूछा गया था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ दिस मॉलिक्यूल CrCO6। देखो जो मॉलिक्यूल अपने को दे रखा है CrCO6 जो दे रखा है, इसमें इस मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया, ना कि क्रोमियम का पूछा है जैसे अपन इन जनरल पूछा करते हैं। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अपन कर सकते हैं इसको। अब बात करें CrCO6 में क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन AR ऑर्गन, उसके बाद में 4s1 और 3d5, एक अपवादी केस होता है जो अपन को पता है, एक्सेप्शनल केस है। अब इसमें जब CR की बात करें तो 3d5 ये रहा, 1 2 3 4, और इसके बाद 4s की बारी रही, और ये 3d रहा, 3d5 1 2 3 4 एंड 5, ये 4s रहा, और p पूरा 4p खाली पड़ा है, ठीक है डियर। अब CO इतना अच्छा लिगेंड है कि इस D को तो पेयर करवाएगा ही करवाएगा, साथ में S वाले इलेक्ट्रॉन को भी अंदर पेयर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये पेयरिंग होगी, CO इतना अच्छा लिगेंड है, तो जब पेयरिंग करवाएगा तो एक अंदर भेजेगा इसको, ये पेयर हो चुका है, इसको यहाँ भेजेगा, ये पेयर हो चुका है, और इसको यहाँ भेजेगा, ये पेयर हो चुका है। अब बच्चे 2D खाली, आगे जो भी हाइब्रिडाइजेशन जैसा भी, अपने को इतना आइडिया होना चाहिए कि CO अच्छा लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा, और पेयरिंग करवाएगा तो एस वाले इलेक्ट्रॉन भी अंदर शिफ्ट कर देता है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, तो आंसर हो जाएगा ये शून्य मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो डाय मतलब एक तरह से डायमैग्नेटिक हो गया, प्रतिचुंबकीय, ओके डियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल करस्पॉन्ड टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा एंगल sp3d2, sp3d2 हम सबको पता है कि जो बॉन्ड एंगल आते हैं वो 3 तो 180 पे होते हैं और 12 90 पे होते हैं, तो 180 और 90 विल बी करेक्ट आंसर। 67th, PO4-3 ion फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम PO इज, अब फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये रहा कुछ इस तरह से PO4-3 फॉर्मल चार्ज, जिस पे आप फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे बात कर रहे हो तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस करने होते हैं इसके, मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ ऑक्सीजन पे, सारी चर्चा करता हूँ, लोन पेयर भी दिखाने पड़ेंगे ना इसमें मेरे को, इसको वापस ड्रॉ करता हूँ, पी डबल बॉन्ड O- O- O-, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो खुद का है, एक माइनस का है, और एक खुद का इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक किसी और से आया हुआ है नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। चलो तो, और ये बॉन्ड पेयर है, तो इसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मल चार्ज है इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल न्यूट्रल एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं माइनस। अब बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के फॉर्म में पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, वो 6 पड़े हैं, -1/2 बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो 2 पड़े हैं, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये 6 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1, तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1, सेकेंड आंसर हो जाएगा 67th का। नेक्स्ट बात करते हैं 68 के अंदर, विच वन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप, सिंपल सी बात है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, शेप निकालो, जिसमें डिफरेंट तो आ जाए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आना चाहिए जबकि शेप सेम आनी चाहिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों में sp3d2 आएगा और शेप दोनों की लीनियर आएगी क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है। XeF2, हाँ इसमें देखो XeF2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से लीनियर आता है, सॉरी XeF2 जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन से sp3d, देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो इसमें sp3d2 नहीं sp3d होता है, और इसमें होता है
सेम हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, i3-VSi होता है, i एज इट इज sp3d, दोनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन है एक्चुअली। चलो तो इन दोनों में सेम हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों की बात करते हैं। तो इनमें है तो लीनियर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ है ये, जबकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया डिफरेंट और सेप लीनियर सेम, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट बात करते हैं 69 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल, मतलब बॉन्ड सारे इक्वल नहीं है। तो XGF4 है, XGF4 का आपको पता है कि स्क्वायर प्लानर होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है और दो आमने सामने लोन पेयर, सही बात है, तो सारे बॉन्ड इक्वल होंगे लेंथ के। CH4 टेट्राहेड्रल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे। C2H2 देख लेते हैं, SiF4 भी सेम CH4 की तरह है, लेकिन C2H4 है, इसमें बॉन्ड लेंथ सारे इक्वल नहीं है, CH का अलग है, CC के इसमें डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड, बंद लंबाई समान नहीं, वही पूछा गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 69 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, अपन लोग पढ़ते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है उससे आप स्ट्रक्चर जस्टिफाई की थी, H2O जैसे लीनियर है कि नॉन लीनियर है, आपने ये जस्टिफाई किया कि इसका आयनिक परसेंटेज करेक्टर क्या है, तो उसमें म्यू अपन प्रैक्टिकल अपन म्यू थियोरिटिकल रखते हैं, आयनिक परसेंटेज करेक्टर पता चलता है, कोई पानी में सोल्यूबल है कि नहीं सोल्यूबल, या किस में सोल्यूबल है, पोलर पोलर में सोल्यूबल होता है, तो ये भी चेक किया अपन ने कौन पोलर है कौन नॉन पोलर, तो ये सारी तरीके थे उसके एप्लीकेशन थे, तो उस तरीके की बात करते हैं। तो पहला परसेंटेज आयनिक करेक्टर बिल्कुल से पता चलता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल पता चलता है, सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस कौन पोलर नॉन पोलर इस तरह से पता चल जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं जस्टिफाई कर सकते, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट से एटलीस्ट जस्टिफाई नहीं कर सकते काफी हद तक, बजाय कि इन तीनों के। ठीक है, तो 70 में हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 71 के, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। वही बात है कि फैजान रूल से जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा और आयनिक कम हो जाएगा, तो LI सबसे ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा, आयनिक सबसे कम हो जाएगा, और इसमें पोलराइजिंग पावर RB में सबसे कम होगी तो आयनिक करेक्टर ज्यादा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम इसी ऑर्डर में रखे हुए हैं। भाई मैं रैंडमली आंसर सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं पहले LIS का बात कर ले, मेरे को सबसे पहले जहाँ LIS दिखा मान पिक कर लिया मैंने, उसको आंसर के फॉर्म में देख लिया। नेक्स्ट 72 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किसमें कॉलम में बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर का सही मैचिंग है। ठीक है, NO है तो 7+8 15 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 2.5 हो गया, CO है 6+8 हो गया 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, 14 में 3 आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस है 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 17 में हो जाएगा 1.5 और O2 में 2 हो जाएगा, तो ये मैचिंग देख लो। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 2.5 C के साथ, फर्स्ट वाला C के साथ दो जने मैच कर रहे हैं, सेकंड वाला जो है वो थर्ड के साथ 3 है तो D के साथ, तो D के साथ सिर्फ ही मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, आगे चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पता चल गया। नेक्स्ट है 73 में बोला है मैच द आइटम गिवन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, उसके एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, HF में होता है, रेजोनेंस O3- में, O3 में एक्सप्लेन करते हैं अपन लोग, आयनिक सॉलिड LIF आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड कार्बन ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड है, HF भी बन सकता है कोवलेंट सॉलिड, लेकिन अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। फर्स्ट के अंदर आ जाएगा ई, फर्स्ट के अंदर आ जाएगा सॉरी डी, फर्स्ट के अंदर डी दो में मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ में, उसके सेकेंड में ई, सेकेंड में ई सही है, आगे भी सेम चल रहा है, थर्ड में सी एक में है और अपना क्या आ रहा है थर्ड के अंदर बी आ रहा है बॉम्बे वाला, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा, तो 73 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर 74 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्रू N2 मॉलिक्यूल जो अपन अरेंज करते हैं उसका MO डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले आता है σ1s σ*1s σ2s σ*2s। फिर आप लोगों को पता हो तो जो सिग्मा 2PZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है रिपल्सन के कारण, तो उससे पहले दो जना आ जाते हैं, कौन π2PX एंड π2PY और σ2PZ बाद में शिफ्ट हो जाता है एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, तो इससे अपना काम हो जाएगा, इतने ही इसमें दे रखे हैं, तो ये दोनों एनर्जी लेवल में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ये दोनों इक्वल है, लेकिन अब एक कंपेयर कर लेते हैं अपन लोग, π2PY π2P
जेड सॉरी सिग्मा टू पी जेड, तो सिग्मा टू पी जेड तो है ज्यादा एनर्जी का, सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी यानी चीज ज्यादा, तो पाई टू पी वाई, पाई टू पी वाई ये रहा जिसकी बात हो रही है, ठीक है। सिग्मा टू पी जेड उससे ज्यादा है, ठीक बात है, सिग्मा टू पी जेड उससे ज्यादा है, और पाई स्टार टू पी एक्स उससे भी ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, पाई स्टार टू पी एक्स टू पी वाई उससे भी ज्यादा होंगे, तो इसमें तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाला, पाई टू पी वाई रहा, सिग्मा टू पी जेड बिल्कुल ये रहा, और स्टार और उससे ऊपर है, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई। एमओ डायग्राम बनाओ सीधा, ऑर्बिटल्स दिख जाएंगे, एनर्जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट है 75 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, NaCl बीइंग एन आयनिक कंपाउंड, सही बात है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, नहीं सॉलिड स्टेट में आयनिक NaCl कंडक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आयंस नहीं है ना यार फ्री फॉर्म में, बजाय कि यदि एक्वस फॉर्म में होता तो क्या पता अच्छा कंडक्टर का काम कर लेता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कैनोनिकल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर बनाते हैं, देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, नहीं इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूमते हैं ना कि एटम्स अलग अलग घूमते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके जो डायरेक्शन नेचर बढ़ जाती है, इसलिए अच्छे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो आंसर ये आ जाएगा, सॉरी थर्ड। और लास्ट है वीएसी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लैनेट, नहीं इसकी स्क्वायर प्लैनेट कहाँ होती है, इसकी तो ट्राइगोनल पिरामिड होती है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है डियर। तो इसमें 75% अपन ने डील कर लिया, पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जो अपन ने नई स्ट्रक्चर सबकी बनाई, तो मैं ये मानता हूँ आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर आप सबको आनी चाहिए हर मॉलिक्यूल की बहुत अच्छे से, और जिन जिन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर मैंने काम में लिए पेपर में, वो पूरी स्ट्रक्चर पूरे एग्जाम में सारी अपनी एनसीईआरटी की ही स्ट्रक्चर से, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी स्ट्रक्चर नहीं रखी, चाहे पी ब्लॉक में आई हो कहीं काम में आई हो, बॉन्डिंग में सीखी जाती है स्ट्रक्चर सारी यहाँ काम में ली गई है। तो बस ये मेन मोटा मोटी सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और जो बॉन्ड पैरामीटर है उसका आइडिया होना चाहिए, एमओटी का अच्छा आइडिया होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड उसके जितने पैरामीटर उसके बारे में, और ट्रिक जो चाहिए मैंने आपको बताई है, तो आपको सब समझ आएगा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।